जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी कब है, यम का दिया कब और कैसे निकालें, मुहूर्त एवं पूजन विधि। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल नरक चतुर्दशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर होगा। नरक चतुर्दशी के दिन रूप निखारा जाता है, जिसके लिए प्रातः का स्नान की परंपरा है। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन बड़ी दिवाली भी है। हालांकि जो लोग माँ काली, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करते हैं, वे 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व मनाएंगे। नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय के पूर्व शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इस बार अभ्यंग स्नान का समय 12 नवंबर 2023 को सुबह 5:28 से 6:41 तक है। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है। घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधिपूर्वक पूजन करें। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी।